तो अच्छा हो जाए। सबका मन में अभी मोदी है। दोनों में भी फाइट है मगर बोल नहीं सकते कौन आएंगे बोल के। नमस्कार और गुड मॉर्निंग, मैं हूँ नागार्जुन द्वारकनाथ। मैं लेकर आऊंगा आज पूरा दिन सफर वंदे भारत में। ये सफर रहेगा बेंगलुरु से लेकर दावणगेरे तक, जो एक मिडिल सिटी है पूरा कर्नाटक में, जो सेंटरली लोकेटेड है। इसी ट्रेन में आज हम सफर करेंगे, जो इंडियन रेलवे को माना जाता है देश की धड़कन है। इसी धड़कन के साथ हम चलेंगे, आज सफर करेंगे 3 घंटे और 4 घंटे का रास्ते में, और लोगों से बात करेंगे। लोगों की अपेक्षा क्या है इस लोकसभा इलेक्शन में, मुद्दे क्या है इस लोकसभा इलेक्शन में, और उनकी जो राय है वो सुनेंगे हम लोगों से डायरेक्टली इसी वंदे भारत में। चलिए मैं लेके जाता हूं आपको इस वंदे भारत ट्रेन के साथ। बेंगलुरु से दावणगेरे जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस बेंगलुरु से सुबह 5:45 पर रवाना होती है। ये ट्रेन 320 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सुबह 9:15 दावणगेरे पहुंचती है। इस सफर में आपको 2024 के लिए लोगों का चुनावी मूड बताने से पहले कर्नाटक के सियासी माहौल से रूबरू करा दें। 150 तो नहीं लेकिन 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर अपनी सरकार जरूर बना दी। बीजेपी 66 सीटों पर सिमट गई, जबकि जेडीएस को 19 सीटें ही मिली। लेकिन कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता उनके बेंगलुरु दौरे पर देखने को मिली। जब कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की आंख लगी तो उन्हें जगाने के लिए लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री जी ऐसा होता रहता है। इस माहौल में लोकसभा चुनाव को लेकर कर्नाटक का मूड क्या है, ये जानने के लिए आज तक संवाददाता नागार्जुन द्वारकानाथ ने बेंगलुरु से दावणगेरे तक वंदे भारत से सफर किया। हम इस वक्त वंदे भारत ट्रेन पे ऑन बोर्ड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेशन दावणगेरे है। इस वक्त हम बेंगलुरु से निकल के दावणगेरे तरफ वंदे भारत में पहुंच रहे हैं और काफी सारे पैसेंजर्स भी इसी कोच में हैं। लेट मी शो यू व्हाट एग्जैक्टली द कोच इज। एक इस तरफ है 3 सीटर, इस तरफ है 2 सीटर। सो अभी ब्रेकफास्ट भी सर्व हुआ है, दक्षिण भारत के इडली सांभर वड़ा उपमा ये सब वंदे भारत के कोच में अभी सर्व हुआ है। और लोगों से बात भी करेंगे कि उनका राय क्या है इस वंदे भारत ट्रेन को लेके, उनका क्या सफ़र है, उनका क्या राय है। सर कैसा लग रहा है सर वंदे भारत में ट्रेन ट्रैवल करके? बहुत ही एक्सलेंट सफ़र हो रहा है, अनबिलीवेबल। फर्स्ट टाइम मैं इतना, जैसे कि मैं प्लेन में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। इलेक्शंस भी आ रहा है अभी, लोकसभा इलेक्शंस कर्नाटक में, ऑलरेडी असेंबली इलेक्शन भी हो चुका है। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे है, क्या इश्यूज होगा? बीजेपी गवर्नमेंट आए तो अच्छा हो जाए। क्या आपको मोदी जी अच्छे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे है, ही इज अ गॉड। क्या अच्छा लगता है मोदी जी के बारे में, क्या अच्छा लगता है? नहीं, सब जो काम कर रहे हो, डेवलपमेंट सब कर रहे हैं टोटली इंडिया में। आपको क्या लगता है इस लोकसभा इलेक्शन में क्या मुद्दा होगा? नहीं, मुद्दा तो बढ़िया ही होगा, और मोदी जी है तो मुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दक्षिण भारत में वंदे भारत चेन्नई तक है, धारवाड़ तक है, अभी मैंगलोर से गोवा का शुरू हुआ है, और हैदराबाद से बैंगलोर और बैंगलोर से हैदराबाद तक। तो 5 से 4 वंदे भारत बैंगलोर से निकलते हुए हम देख सकते हैं। 2024 के चुनाव से पहले एक बार कर्नाटक में पिछले 3 लोकसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करते हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी को 25 सीटों पर जीत मिली, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 1 और जेडीएस को भी 1 ही सीट पर जीत मिली। 2019 में हुए चुनाव में कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जहां गुलबर्गा से, तो वहीं जेडीएस के नेता एचडी देवगौड़ा तुमकुर से चुनाव हार गए। 2014 में बीजेपी को 17, कांग्रेस को 9 और जेडीएस को 2 सीटें मिली। 2009 में बीजेपी ने 19, कांग्रेस ने 6 और जेडीएस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की। इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की कमान कर्नाटक के मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में है, और कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने उत्तर बनाम दक्षिण की बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। दिल्ली के जंतर मंतर से उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर हमला बोल दिया। क्यों झूठ बोलता है मैडम, क्यों झूठ बोलता है मैडम?
केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए केरल और तमिलनाडु सरकार के साथ पूरी कर्नाटक सरकार दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। उसने अपने वसूले गए टैक्स में से केंद्र से मिलने वाले अपने हिस्से में कटौती का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब से 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू हुई है तब से राज्य को केंद्र से मिलने वाले टैक्स का हिस्सा 4.71% से घटकर सिर्फ 3.64% ही रह गया है। आरोप है इससे कर्नाटक को 1.87 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार इशारे इशारों में आरोप लगा रही है कि विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए लोक लुभावन वादे कर्नाटक सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। डुओ दैट केम टू गवर्नमेंट इन कर्नाटका एंड आई प्रेडिक्टेड देन दैट दे वुड सून ट्रैश द कर्नाटका इकोनॉमी एंड कम crying to the center for a bailout and this is exactly what is happening. Devolution samajh nahi pa rahe ya kitna tax hum de rahe uske upar amal nahi kar rahe ya to unko Karnataka ke samruddhi mein interest nahi hai. इस सियासी जंग के बीच कर्नाटक का मूड जानने निकली आज तक की टीम बेंगलुरु से दावणगेरे पहुंच गई। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दावणगेरे रेलवे स्टेशन। इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार 4 बार 2004 से बीजेपी की जीत हुई है। जीएम सिद्धेश्वर जो सिविल एविएशन की एमओएस मंत्री भी थे काफी समय पर, और इस जिले में लिंगायत की काफी डोमिनेंस है, और वीरशैव लिंगायत के प्रेसिडेंट, महासभा का प्रेसिडेंट शामनूर शिवशंकरप्पा जो 92 ईयर्स के कांग्रेस विधायक भी है, द ओल्डेस्ट लेजिस्लेटर फ्रॉम कांग्रेस पार्टी एंड अक्रॉस इंडिया कह सकते हैं। तो हम पहुंच गए दावणगेरे, और इस शहर का खासियत है बेन्ने डोसा, मतलब बटर डोसा। चलिए देखेंगे होटल में खा के लोग उधर क्या कहेंगे। दावणगेरे कर्नाटक के केंद्र में एक शहर है जो राज्य का 7वां सबसे बड़ा शहर है। दावणगेरे जिले का मुख्यालय भी है। में डोसा कहते हैं और दक्षिण में डोसे कहते हैं। कर्नाटक का एक और खासियत है, नॉट जस्ट मैसूर डोसा बट दावणगेरे बेन्ने डोसा। बेन्ने मतलब बटर। मैं लेके जाऊंगा आपको इस वक्त द फेमस कुट्टूरेश्वरा दावणगेरे बेन्ने डोसा, जहां दावणगेरे में हर नागरिक को पता है और कर्नाटक में हर नागरिक को पता है क्या खासियत है इस दावणगेरे बेन्ने डोसा का। इस डोसे का खासियत है वुड फायर। जैसे आप देख सकते हैं जो तवा वुड फायर में बनता है, जैसे आप सिटी शहरों में वुड फायर पिज्जास होते हैं, उसी तरफ वुड फायर डोसास। और काफ़ी दशकों से यही राज है इस डोसे का, वुड फायर से बना जाता है। और जो दावणगेरे से पैदा हुआ ये वुड फायर पिज्ज़ा जैसा वुड फायर डोसा है, दावणगेरे में ही पैदा हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड लोकली एंड इन ग्रेट ग्रेट डिमांड। कहाँ से हो आप लोग? We are from महाराष्ट्र। जो महाराष्ट्र में डोसा मिलता है और इधर का डोसा में क्या फर्क है? There is difference between महाराष्ट्र डोसा एंड कर्नाटक का डोसा। ये बेन्ने डोसा है, ये स्पेशल वन है शायद से, और इसमें शायद से बटर डला हुआ है पहले से। पर आपको क्या अच्छा लगता है, ये वाला और वो वाला? ये वाला, यहाँ का तो स्पेशल है तो यहाँ का ही पसंद आएगा, बट ऑब्वियस। दावणगेरे सीट की बात करें तो करीब 27 साल तक यहां बीजेपी का सांसद रहा है। 2004 से बीजेपी के जीएम सिद्धेश्वर यहां के सांसद हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के एचबी मंजप्पा को 1,69,000 वोट से हराया। 2014 में बीजेपी के जीएम सिद्धेश्वर ने कांग्रेस के एसएस मल्लिकार्जुन को हराया था। मल्लिकार्जुन इस समय कर्नाटक दावणगेरे के इंचार्ज हैं और सिद्धरमैया सरकार में मंत्री भी हैं। दिस टाइम आई थिंक कांग्रेस हैज अ गुड मेजोरिटी, आई थिंक especially depends upon the candidate as well as the our workers support, especially in Dawangere constituency. I think a lot of our followers, Congress workers, in that 3-4 senior most leaders also they are interested, and some Congress workers also they want a ticket. So I think this time we are going to win. दावणगेरे लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 8 सीटें हैं। 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 7 पर कब्जा जमा लिया, जबकि बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिली।
बैंगलोर से दावणगेरे तक इस 300 किलोमीटर के सफर में काफी लोगों से हमने बात की। इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है डेवलपमेंट। लोगों ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यू है वोटिंग पे, विमेन सिक्योरिटी पे वोटिंग होगा। तो इस बार दोनों एनडीए और इंडिया अलायंस इस मुद्दे पे लोग वोट करेंगे। वंदे भारत से हमने वापस बेंगलुरु का सफर किया, अब आपको कर्नाटक की राजधानी का चुनावी मिजाज दिखाते हैं। 8 महीने पहले राहुल गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले जमकर प्रचार किया, लोगों के बीच गए, बस से सफर किया। वहीं प्रियंका गांधी ने शहर शहर रोड शो किया, कांग्रेस को राज्य में कामयाबी मिली और उसने अपनी सरकार बना ली। अब लोकसभा चुनाव की बारी है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1991 से ही बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी की जीत हुई है। अनंत कुमार यहां से 6 बार चुनाव जीते। 2019 में तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को चुनाव हराया। देखिए इस बार बेंगलुरु की जनता का मूड क्या है। सबका मन में अभी मोदी है और श्री राम जी, सबका दिल में अभी बस गया है श्री राम मोदी। दोनों में भी फाइट है, मगर बोल नहीं सकते कौन आएंगे बोल के, मगर कांग्रेस को होप है आएंगे बोल के, कांग्रेस आएगा बोल के। आप चाहते हैं कि कांग्रेस आए? कांग्रेस आए तो अच्छा रहेगा, हम लोग टैक्सी वालों को सभी अच्छा रहेगा। कांग्रेस थोड़ा सर अभी देखो, अभी सिद्धरामैया का आया है, अभी बस वाला बस अभी फ्री किया है, गरीबों को बहुत फायदा हो रहा है इससे, और है ना बहुत से गरीबों का स्कीम है ना वो उसने निकाला है। 100% अच्छा पीएम है, उसमें कोई दो नहीं बोल सकता, दो उत्तर नहीं बोल सकता। तो बीजेपी आएगा 100% आएगा, 400 से ऊपर जीतेगा। आज देखेंगे तो भारत बहुत आगे बढ़ा है, और वो आई डोंट थिंक अगर मोदी इधर नहीं थे तो वो नहीं हो सकता। मेरा बस यही कहना है कि जो भी पार्टी आए उसे हम सब लोग साथ में मिलकर काम करें। जैसे कि स्वच्छ भारत आया, सो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी बट कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है। इट्स शुड कम फ्रॉम द इंडिविजुअल पीपल। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वो काम करके दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। एक टाइम पे पूरा देश अगर राम जी के गीत गा रहा है, एक टाइम पे पूरा देश वो जो भी मूवमेंट रन करते हैं उस पर पूरा का पूरा देश जो भाग्य ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है, वो जनरली होता नहीं है। एनडीए का 400 पार का नारा तभी कामयाब होगा जब दक्षिण में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिले। इस एपिसोड में हमने आपको दावणगेरे और बेंगलुरु का चुनावी मिजाज बताया। अगले एपिसोड में दक्षिण की दो बड़ी सीटों के सफर पर ले चलेंगे। नागार्जुन द्वारकानाथ, बेंगलुरु आज तक।